सो यहाँ पे आपको Xiaomi HyperOS 2.0 की सेटिंग्स में एक ब्रांड न्यू लुक यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। और इसका एक छोटा सा लुक यहाँ पे Xiaomi ने Android 15 बेटा 3 में रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है फॉर Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Redmi K60 Ultra एंड Xiaomi Pad 6X Pro 12.4। सो यहाँ पे Android 15 बेटा 3 के अपडेट्स हमारे रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है चाइना रीजन में उनमें आपको जून जुलाई के सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अब यहाँ पे उसमें न्यू सेटिंग्स का लुक मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला लुक ज़्यादा पसंद है या फिर आपको यहाँ से पिछले वाला लुक ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे Android 15 बेटा 3 HyperOS में कुछ छोटे सा चेंज यहाँ पे किया गया है, जिसकी मदद से यहाँ पे HyperOS का कार्ड लेआउट अबाउट फ़ोन के सेक्शन में देखने में अब बहुत ही ज़्यादा ऑसम हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो इसका जो यहाँ से बैकग्राउंड है अबाउट फ़ोन में डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेसिफिकेशन का, उसका कलर यहाँ से वाइट में स्लाइटली ग्रे में चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्ड लेआउट हमारा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल अब देखने के लिए मिल रहा है। सो अगर आप HyperOS के नॉर्मल अपडेट्स में जाकर के चेकआउट करेंगे सो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमें कार्ड लेआउट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कार्ड लेआउट की बजाय ये हमें यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लाइन जैसा ही देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे HyperOS के अपडेट्स में ये वाइट बैकग्राउंड है। लेकिन HyperOS 2.0 में आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जो हमें बिल्कुल कार्ड लेआउट जैसी फीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा HyperOS 2.0 के स्टेबल अपडेट्स के साथ। और ये वाला फीचर HyperOS Android 15 बेटा 3 में 4 Xiaomi स्मार्टफोन्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो क्या आप यहाँ पे न्यू लेआउट के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएं, क्योंकि जब भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई और न्यूज़ निकल के सामने आएगी सो सबसे पहले मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। सो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ।